डिफिकल्टी में डाल सकते हैं, पर लेट्स सी। बिल्कुल 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 आदित्य, ऑलराइट, मूवमेंट इनकी तरफ से भी आ ही रहा है, सो दिस जस्ट यू नो बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू जस्ट यू नो टेक आउट ऑल द फाइट्स, क्योंकि स्पॉट कर चुके, इनको पता है इनके आसपास स्क्वाड्स हैं, इनको पता है इनके आसपास प्लेयर्स हैं, लेकिन वो फाइट में जाना, क्लोज रेंज तक जाकर के नॉक फिनिश निकालना, वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। डेस्ट्रो एक दूसरे एंगल पर है, तो वो कहीं ना कहीं वहां से भी अपने पीओवी के हिसाब से लोकेशंस बता सकते हैं। डेस्ट्रो की तरफ यहाँ पर मवी और रेगल्टोस आ रहे, स्पॉट किया जा चुका है एक प्लेयर को, शॉट्स लिए थे, थोड़ी सी मुश्किल हुई, अब बैक एंड पर आ चुके हैं और डेस्ट्रो की एचपी भी कम है और वो दूसरे एंगल से स्पॉट राइट, एंड यहां पे अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग मूव इन कर रहे हैं, डेस्ट्रो पिक ऑफ किए मवी को, एंड यहां पे इंस्टेंटली कवर फायर आया आदित्य के तरफ से, एंड यहां पे काफी ज्यादा ट्रबल मॉर्टल के टीम के लिए, दो प्लेयर्स डाउन है, स्काउट और मॉर्टल को इंस्टेंटली मूव इन करना होगा, पीछे से बैकअप भी आ रहे हैं, वैक्सी और आदित्य वहां पे शायद उनको डिफेंड करना चाहेंगे, बट नो, वहां पे स्काउट कवर फायर दे रहे हैं, ऊपर जाके रिवाइव का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, डेस्ट्रो को अभी तक फिनिश नहीं किया गया है, जो अब स्काउट आके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पुश हो चुका है वैक्सी का, पुश आते हुए, इट्स अ 2v2 सिचुएशन, पर मॉर्टल इज ऑन रिवाइव राइट नाउ, व्हाट डू थिंक ओशन? I would see, you know what happens because Scout भी हल्का सा back end पर है और यहाँ पर Vexy बिल्कुल एक आगे का अच्छा खासा भार अपने लिए संभाल सकते हैं। He just needs to move forward to take up all these fights और वो धीरे धीरे कोशिश कर भी रहे हैं, बट उनको ये पता रहना चाहिए कि उन्होंने भी अपने एक प्लेयर को खो दिया है। So now he just have to, you know, move up forward. Clash Universe एक दूसरे एंगल को होल्ड कर रहे हैं और साइड पर वहीं पर फाइट शुरू हो चुकी है, जहां पर हल्के फुल्के शॉट्स लिए जरूर गए थे और जो सोल का स्क्वाड है, मीन जो मॉर्टल का स्क्वाड है, वो जस्ट एक अपर एरिया, एक अपर एज अपने लिए होल्ड कर चुका है और उन्होंने ही यहाँ पर ये जो पिक निकाला है, दैट काइंड ऑफ जस्ट गिव्स देम अ गुड मोरल बूस्ट। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मोक्स डाले जा रहे हैं और मावी बैंडेजेस लगाते नजर आ रहे हैं अभी के लिए, जो काफी एक अच्छी चीज हो जाती है। वैक्सी एक डिसेंट एंगल अभी होल्ड करें, लेकिन शायद किसी एक टीम को तो देखते देखते यहाँ से थोड़ी देर के लिए बैक ऑफ करना पड़ सकता है। वैक्सी के सामने प्लेयर्स कूदते नजर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आदित्य वहां पर आ चुके हैं, वैक्सी एक अच्छा एंगल होल्ड करें, टीम भी एंगल लिया, डाउन कर चुके हैं, और अब यहाँ पर रिवाइव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीम मॉर्टल यहाँ पर अपना तीसरा किल निकाल सकती है, लेकिन उनको प्लेयर्स को रिवाइव भी करना पड़ेगा और क्लैश यूनिवर्स पीछे के एरिया पर बचे हुए हैं। आपने यहाँ पे बहुत ही शानदार हमें स्काउट की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिला, ऑलरेडी इन लोग तीन प्लेयर्स को डेसिमेट कर चुके हैं, पर यहाँ पे क्लैश यूनिवर्स, आई थिंक यू नो मुझे एक चीज पे डाउट हुआ, क्लैश यूनिवर्स और आई थिंक वैक्सी इन लोग बहुत जल्दी रोटेट करके तो साउदर्न पार्ट ऑफ वाटर सिटी की तरफ चले गए थे जब डेस्ट्रो पे पुश हुआ। मैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूज था, मे बी इट वॉज अ स्ट्रेटेजी, आई थिंक ओशन आप बेटर बता पाओगे बिकॉज आपको थोड़ा नॉलेज है इनके बारे में। कैन यू टेल मी कि लोग वाटर सिटी के साउदर्न पार्ट क्यों चले गए थे? I would say, ये मे बी एक अर्ली स्कर्मिश से हल्का सा थोड़ी देर के लिए ना रुकना होता है, जैसे कि अर्ली स्कर्मिश से थोड़ा सा बैक एंड पर रहते हैं एंड देन उसके बाद आगे मूव करते हैं। वंस यू हैव ऑल योर प्लेयर्स अराउंड यू एंड ऑब्वियसली यू नो